गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग कहाँ पर लगाए जाते हैं और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन आज हम इस विषय में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अवयव को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। अब अर्थ कौन सा होता है? मूल शब्द। ठीक है, उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं और उसकी विशेषताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। आया समझ में? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग कहाँ पर लगाए जाते हैं। उपसर्ग लगाए जाते हैं शब्द के प्रारंभ में, और जो मूल शब्द है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, और जब वह उपसर्ग जुड़ जाए तो उसके मूल शब्द में उसका अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। हुआ क्लियर? यह है आपकी उपसर्ग की परिभाषा। इसके बाद देखिए कि उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बनता है। यह दो शब्द उपसर्ग उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप प्लस सर्ग दो शब्दों के योग से बनेगा। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। मतलब हम किसी शब्द के पास में कोई शब्दांश शब्द का अंश जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। अब पास में कहाँ जोड़ना है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। हुआ क्लियर? देखो, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होती हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करें। उपसर्ग का अर्थ हुआ पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। हार एक शब्द है जिसका अर्थ है पराजय। ठीक है, हार एक शब्द हुआ जिसका अर्थ हुआ पराजय। मतलब अगर हार शब्द का अगर अर्थ जाने तो हार का मतलब होता है पराजय। लेकिन उपसर्ग, अलग अलग प्रकार के उपसर्ग लगाने पर इनके शब्दों में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हार शब्द में आ उपसर्ग लगाने पर क्या बन गया? आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। ठीक है, और प्र उपसर्ग लगाने पर बन गया प्रहार। प्रहार मतलब किसी को चोट पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, प्रहार करना। ठीक है ना, तो एक ही मूल शब्द के अगर हमने अलग अलग उपसर्ग लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। हमने यही तो पढ़ी थी परिभाषा कि मूल शब्द में उपसर्ग लगाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि एक शब्द है हार, उसका अर्थ था पराजय, लेकिन हमने हार में ही आ लगाया तो वो बन गया आहार यानी भोजन, और प्र उपसर्ग लगाने पर वो क्या बन गया? प्रहार, यानी किसी पर प्रहार करना, किसी को चोट पहुंचाना। हुआ क्लियर? अब उपसर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती है? उपसर्ग की तीन विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, कैसी विशेषता? जैसे प्र उपसर्ग मूल शब्द है बल, तो ये क्या बन गया? प्रबल। बल तो है, बल मतलब तो होता है कि बलवान, शक्तिशाली। प्रबल अत्यधिक शक्तिशाली। ठीक है ना, शासन, उसमें अनु उपसर्ग लगाकर हमने क्या शब्द बना दिया? अनुशासन। शासन का अर्थ भी होता है किसी पर शासन करना, और अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दूसरा, शब्द का अर्थ को उलट देना, विपरीत कर देना। जैसे सत्य मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? असत्य। अर्थ उल्टा हो गया, सत्य का मतलब होता है सच
और असत्य का मतलब होता है जो सच ना हो। इसी प्रकार यश मूल शब्द है और इसमें अप उपसर्ग लगाकर इसका नया शब्द बनाया गया अपयश। यश का अर्थ होता है कीर्ति प्रसिद्धि, अपयश जिसकी कीर्ति ना हो, ठीक है, जिसका नाम दुनिया में कोई नाम ना हो, जो बिल्कुल निम्न वर्ग का हो, ठीक है, तो वो अपयश हुआ। क्लियर आया समझ में? शब्द का उलट अर्थ, विपरीत अर्थ देना, जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ देना किसके द्वारा? उपसर्ग जोड़ने के बाद। क्लियर हुआ? तीसरी विशेषता देखिए, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। पहला वाला तो हमने क्या देखा था कि शब्द का उलट अर्थ दे देता है, उससे पहले हमने देखा कि एक विशेष विशेषता ला देता है, और तीसरा जो है कि शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता है, है ना, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करता है। जैसे शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध का अर्थ भी होता है शुद्ध मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल शुद्ध हो, और विशुद्ध भी हम साफ सुथरे को ही कहेंगे, बिल्कुल विशुद्ध है, शुद्ध है ना। इसी प्रकार मतलब इसके इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान कर रहा है। इसी के साथ है देखो भ्रमण मूल शब्द, और परि उपसर्ग लगाकर परिभ्रमण, भ्रमण का अर्थ भी घूमना होता है, और परिभ्रमण का अर्थ भी यहाँ पर घूमने से ही लिया जाएगा। तो यानी शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही हम अर्थ को प्रदान करते हैं, ये उपसर्ग की तीन विशेषताएं बताई गई है। इसके बाद देखिए, हिंदी बोलते समय हम संस्कृत हिंदी अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। मतलब उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, संस्कृत भाषा के भी उपसर्ग हैं, हिंदी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं और उर्दू के भी हैं। इन चारों भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग हम हिंदी में बोलते समय करते हैं, ठीक है ना। तो हम इन्हीं चारों उपसर्ग भाषाओं के उपसर्गों का आज इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। संस्कृत के उपसर्ग में पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार, ठीक है। इसके कुछ शब्द हैं जैसे अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, ठीक है। इसी के आधार पर दूसरा उपसर्ग जो है वो है अधि। एक है अति, दूसरा है अधि, ऊपर या श्रेष्ठ। इसके कुछ शब्द देखिए आप, अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर ये कौन से उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम? संस्कृत के। इसमें पहला उपसर्ग है अति और दूसरा है अधि। इसके बाद दूसरा और देखिए, अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। इसके अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। जैसे देखो, मान अपमान, शब्द अपशब्द, कीर्ति अपकीर्ति, ठीक है, राग अपराध, हरण अपहरण, प्रयोग अप्रयोग, व्यय अपव्यय, वाद अपवाद। क्लियर हुआ? मतलब ये तो मूल शब्द है और अब इसमें उपसर्ग लगा। उपसर्ग कहाँ लगेंगे? शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हुआ क्लियर? इसके बाद देखिए अ। अ का अर्थ होता है अभाव। इसमें ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, स्वीकार अस्वीकार इत्यादि। मतलब अ उपसर्ग लगाकर हमने इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। अब इसका कौन सा वाला ये विशेषता आ रहा है? शब्द का उलट अर्थ। आया समझ में? विपरीत अर्थ। अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, और यहाँ पर अनु का अर्थ दिया है। आपके जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसमें आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको शब्द को ढूंढकर उसका सही उत्तर लिखना है, ठीक है, या फिर पूरा शब्द दे दिया जाएगा और ये पता करना है कि उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। अगला उदाहरण देखिए आ। आ में और, सीमा, समेत,
कमी, विपरीत, ये तो इसके अर्थ हुए। इससे हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? मुख आमुख, दान आदान, जीवन आजीवन, काश आकाश, गमन आगमन, आरंभ, ठीक है, रंभ आरंभ, चरण आचरण, आकर्षण आरोहण, ठीक है, कर्षण आकर्षण, रोहण आरोहण। आया समझ में? इस प्रकार से हम नए शब्दों की रचना शब्द के पूर्व में लगाकर कर सकते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगाकर शब्दों की रचना करें वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। नया उपसर्ग और देखिए, हीनता। अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन। इसके कुछ उदाहरण हैं, शेष का अवशेष, ज्ञा अवज्ञा, गत अवगत, लोकन अवलोकन, आस्था अवस्था, सान अवसान, रोहण अवरोहण, तार अवतार, नीति अवनीति इत्यादि। उप से, उप का अर्थ है निकटता, सदृश्य, गौण, सहायक, हीनता। इसके कुछ उदाहरण देखिए, उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपभेद इत्यादि। ये शब्द हैं आपके, ठीक है ना, मतलब इनसे हम इतने प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नी। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। इसमें निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध इत्यादि। इसके बाद है निर। निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध या रहित। इसमें देखो, निर्भय, निरअपराध, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल इत्यादि। तो ये उपसर्ग जो हैं इनसे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है जो मूल शब्द है उसका अपना एक सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। मूल शब्द का जब अर्थ होगा तभी तो आप उपसर्ग जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाओगे, ठीक है ना। इसीलिए मूल शब्द का भी अपना एक अर्थ होता है। इसकी तीन विशेषता आपको बताई थी, शब्द का उलट पुलट हो जाना, ठीक है, और एक ऐसा उपसर्ग जोड़कर जो शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द ही उसका अर्थ देता हो, और तीसरा जो हमने देखा था वह क्या था कि विशेषता ला देता है, अर्थ में विशेषता ला देता है। इसके अलावा देखिए, परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर या नाश। इसमें जो शब्द बनते हैं वो देखिए, पराजय, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। इसके साथ दूसरा एक और है परी। परी का है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। इसमें परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि। प्र। प्र का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश। अब इसके जो शब्द है वो है प्रबल, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रयास इत्यादि। ये जो शब्द हैं ये सारे आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर आप उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन। इसके कुछ शब्द हैं देखो, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। इसके बाद है वी। वी उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता, असमानता या विशेषता। इसमें हम कुछ शब्दों का निर्माण करेंगे जैसे विनाश, विकास, विदेश, विधवा, विवाद, विस्मरण, विराम, वियोग, विकार, विमुख, विनय इत्यादि। इसी के साथ एक नया शब्द और है, शब्दांश सम। इसका अर्थ होता है पूर्णता। इसके कुछ शब्द हैं संहार, संयोग, संकल्प, संतोष, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख इत्यादि। सु। सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा, भाव, सहज या सुंदर। जैसे सुवास, सुदूर, सुकृत, सुगम, सुलभ, स्वागत, सुयश, सुभाषित इत्यादि। अध का अर्थ होता है आधे अर्थ में। अध जला, अध पका, अध किला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। ये कुछ जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अ और न। अन।
निषेध के अर्थ में, अमोल अनपढ़, अजान अथा अलग, अनमोल अनजान। देखो अजान और अनजान, अमोल और अनमोल, ये दोनों उपसर्ग एक ही मूल शब्द के साथ लग रहे हैं, अमोल और अनमोल, अजान और अनजान। आया समझ में? अनपढ़, ठीक है ना। उनका अर्थ होता है एक कम। एक कम मतलब जैसे 19, 20 से एक कम, 29, 30 से एक कम, 49, 59, 69। उनका अर्थ क्या होता है? एक कम, मतलब 20 से एक कम, 30 से एक कम, है ना। 49 तो 50 से एक कम, 59 60 से एक कम। आया समझ में? ये हमारे किसके उपसर्ग थे? संस्कृत के उपसर्ग। अवहीनता या निषेध, अवगुण, अघट, अवसर, ओढ़ इत्यादि। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन, दुकाल दुबला इत्यादि। नी का अर्थ होता है निषेध, अभाव या विशेष, निडर निकम्मा निखरा निहत्ता निगौड़ा इत्यादि। बिन का अर्थ होता है निषेध, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द के प्रारंभ में अगर हमको उपसर्ग लगाना है तो हम शब्द के पहले लगाएंगे, और प्रत्यय लगाना है तो शब्द के बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। भर, भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक, भर पेट, भरसक, भरपूर, भर दिन, ठीक है ना। कु और क, बुराई या हीनता, कुखेत, कुपात्र, कुपुत्र, ठीक है ना, है ना, कुखाट, कपूत, कुढंग, ये कु और क वाले उपसर्ग हैं। अब इसके बाद हिंदी के उपसर्ग हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।